guys, now we are introducing a new person in our vlog. जय माता दी. जय माता दी. तो हम जा रहे हैं एक सरप्राइजिंग ट्रिप पर. हमें बताने वाला नहीं हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ. बस आप देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए सफर का. बहुत ही मस्त सब्जी बनी है. मैंने सुबह पराठा खाया था. पराठा खाने के बाद मैंने थोड़ी गाली खाई थी. हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग. और गाइस, आज हम फिर से भाई एडवेंचर करने वाले हैं. सॉरी, कैसे आपने उस दिन मैंने कैसे क्लाइंबिंग की थी एक पुल में जहाँ पे बहुत सारे फ्रॉग्स थे, तो शायद भगवान प्लीज वैसे करना. और कैसे मैंने ट्री क्लाइंबिंग की थी, कैसे मैंने पेड़ पे चढ़ा था. और दूसरा एडवेंचर में भाग था रोड पे. प्लीज शायद वैसे हो, पर रात में शायद मैं रोड पे ना भाग पाऊँ गाड़ी के साथ साथ. आप प्लीज़ हमारा व्लॉग देखना. इससे पहले एक और व्लॉग 166 एक पुल या फिर स्विमिंग पूल था पता नहीं मुझे. और गाइज, उस पूल में बहुत सारे फ्रॉग्स थे, फिश थे, अलग अलग के इंसेक्ट्स थे, बॉडी इंसेक्ट्स थे अलग अलग. और गाइज, मुझे बहुत अच्छा उसका एक्सपीरियंस रहा. काश मैं वो फिर से कर पाऊँ. गाइज, नाउ वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू पर्सन इन आवर व्लॉग. दैट नेम इज प्रिंस. प्रिंस इज माई ब्रदर. सो इट डज नॉट कम रेगुलरली इन द व्लॉग. सो गाइज, वेरी सॉरी. Because it is living in Dehraj and we are living in Mumbai, so there was some difference of kilometer. So Prince cannot come regularly. Prince only comes 6 and 7 days. So guys, Prince. और आप क्या कर रहे हैं सक्षम? चीज़ को दाना खिला रहा हूँ. So guys, this is our new person in vlog. सफर की शुरुआत करते हैं. जय माता दी. जय माता दी. तो हम जा रहे हैं एक सरप्राइजिंग ट्रिप पर. हमें बताने वाला नहीं हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ. बस आप देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए सफर का. आप लोग पूरा ब्लॉग जरूर देखिएगा. वैसे भी जब से मैं आया हूँ मुंबई टू लखनऊ, मेरठ, हर जगह और बहराइच, मेरी ट्रिप चल ही रही है. कल रात की ट्रिप मैं कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि मैं कैमरा ले जाना भूल गया था. हम लोग करेंगे खूब मस्ती. तो सब लोग बोलो हिप हिप हुर्रे. पढ़ रही हूँ. कौन सी लैंग्वेज आ गई है न्यू? गाइज, इधर से सनसेट भी हो गया है. गाइज, आज हम लोग जा रहे हैं हमारी चौथी मिठाई लेने. चलिए चलते हैं. मलम पिता पितार, मलम पिता पितार, मलम पिता पितार, मलम पिता पितार. भैया गुंजिया कैसे है? स्वीट तो ऐसा कुछ नहीं मिला क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी दुकानें नहीं है स्वीट की. हमसे गलती हो गई. मैं बहराइच में ले लेनी चाहिए थी लेकिन मुझे याद नहीं रहा. मुझे लगा शायद आगे मिलेगा. तो फाइनल गुंजिया दिखी हैं. गुंजिया भी हम लोग ले रहे हैं वहाँ के लिए. और अच्छी नहीं है? दिखाओ मुझे, टेस्ट कराओ. पापा आ रहे हैं, पापा को टेस्ट कराना. फ्रूट देख लेते हैं. अच्छा लगा. मैंने पहले खाई नहीं थी. मीठा नहीं लग रहा मुझे, नमक लग रहा है उसमें. क्लियर अच्छी नहीं आ रही ना वो? हां गाइस, मेरी आंखों पे बहुत लाइट आ रही है. ये देख के सूखा था. मुझे भी दिखाओ. एक सौ चालीस. 140. अच्छा वाला है नहीं? अच्छा वाला क्या, दाग तो सब में है. अच्छा
गले लगो, नहीं नहीं दीदी नहीं, आप गले लगो आके, नहीं आप गले लगो। हेलो गाइस, मैं 2 घंटे बाद अपने बहराइच वाले छत पे था, आज मैं अपने गांव आ गया हूँ। पहले बाबू तो 2 घंटे पहले तो बोला। हेलो, तो मिस्टर प्रिंस आज करा रहे हैं अपने घर का टूर हमको, तरुष को और ब्लॉगर्स को, जैशु को, जैशु जैशु नहीं है हमारे गाइस। तो प्रिंस क्या दिखा रहे हो तुम आज? पहले ये छोटे पापा का कमरा दिखा रहे हैं। अरे वाह, ये छोटे पापा का कमरा है। अरे वाह प्रिंस, मैं तो यहीं सोने वाला हूँ फिर तो। कमरे में एसी लगा हुआ है ना? हाँ। गांव में, प्रिंस के गांव में इतनी अच्छी व्यवस्था है, मैं तो सोच नहीं सकता था। मुझे लग रहा था कि मच्छर काटेंगे। प्रिंस तुम्हारी बुक्स कितनी अच्छी सारी रखी हुई यहाँ पर। ये पढ़ाई वाला कमरा है। प्रिंस के गांव में बिल्कुल शहर की फैसिलिटी है, बिल्कुल A1 नंबर 1 फैसिलिटी है। अरे ये भी तो किचन है, ये जमीन किचन है। प्रिंस अरे तो गैस भी रखी हुई है, तो ये आटा कुधा रखा हुआ है, ये गैस है। और हाँ बोलना भाई, मतलब भरता खाओगे या सब्जी खाओगे? सब्जी नहीं खाएंगे। आलू से आलू प्याज की सब्जी खाओगे? कैसी बनेगी? अच्छी बनेगी। अगर थोड़ा दिन में हम आते हैं ना तो मजा आ जाता। तरुष ऊपर देख चांद, इसीलिए तो रात में आने के लिए मजा होता है। दीदी मैं इसमें नहीं सोने वाला, इसमें बहुत गर्मी लगेगी। आप उसमें सोइए। ये प्रिंस का छोटा भाई है। अरे वाह, तो दोनों एक जैसे दिखते हो। हेलो गाइस, वैसे तो हम ट्रेन को काम करते हैं, ट्रेन को शूटिंग करते हैं, बट आज हम इतना अच्छा प्लान कर रहे हैं कि हम रात को ही शूट कर रहे हैं। और हम आए हैं अपने प्रिंस भैया के घर। मेरे लिए स्पेशल सब्जी बनी है, भिंडी की सब्जी बनी थी। मैंने बोल दिया भिंडी की सब्जी खाने वाला नहीं हूँ मैं, और तो मैंने बोला कि आलू का भरता बना लो। अभी चाल दिखा, अब मैं भैया को खिलाऊंगी वो आलू प्याज की सब्जी। अभी याद करो, कल कल बनाती। बहुत ही मस्त सब्जी बनी है। अरे तो भूख भी लग गई थी ना। मैंने सुबह पराठा खाया था, पराठा खाने के बाद मैंने थोड़ी गाली खाई थी, और उसके बाद अब मुझे खाना मिला है। अक्सर हमारा आप डे का ब्लॉग देखते होंगे, लेकिन इस समय धूप इतना ज़्यादा हो रही है ना कि दिन में निकलना थोड़ा पॉसिबल समझा नहीं हमने, पूरा स्किन जल जा रही थी। तो हमने सोचा मैं अभी शाम को ट्रैवल करूँगा और ब्लॉग इवनिंग में बनाऊंगा। तो अभी रात के बज रहे हैं 8:38 हुआ है, ठीक ऊपर मेरे चांद है, नीचे खाना।